जब मेरे पास जन्म प्रमाण पत्र है, सब कुछ है, तो मेरी नागरिकता पर प्रश्न क्यों? मैं बचपन से ही दिल्ली बाल कल्याण समिति के आदेशानुसार बाल गृह में पला बड़ा हूँ। अनाथालय से निकलने के बाद मैंने कई बार अपना पासपोर्ट बनवाने की कोशिश की, परंतु किसी न किसी कारणवश मेरा पासपोर्ट रिजेक्ट होता रहा। पासपोर्ट विभाग के अनुसार मेरे दस्तावेजों में कोई कमी नहीं है, परंतु सिर्फ राज्य पुलिस द्वारा ही मुझे तंग किया जा रहा है। मैंने मुंबई के ताज लैंसन होटल में 4 वर्ष काम किया। 4 वर्ष काम करने के उपरांत मैंने कंपनी के कॉन्ट्रैक्टर से NOC लेने के बाद पासपोर्ट के अप्लाई किया, परंतु पुलिस वालों ने यह कहकर मेरा एप्लीकेशन रद्द कर दिया, क्योंकि यह मेरा कार्यस्थल है, तुम यहाँ पर पासपोर्ट नहीं बनवा सकते, तुम दिल्ली जाकर पासपोर्ट बनवाओ। दूसरी बार दिल्ली आया। दिल्ली आने के बाद मैंने प्रयास चिल्ड्रन होम से अनुमति ली। अनुमति लेने के बाद मैंने पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया, परंतु दिल्ली पुलिस ने भी यह कहकर मेरा पासपोर्ट रिजेक्ट कर दिया कि अब तुम 18 वर्ष के हो चुके हो, तुम चिल्ड्रन होम से पासपोर्ट नहीं बनवा सकते, तुम अपने नेटिव प्लेस चले जाओ। बहुत कोशिशों के बाद फिर मैं पश्चिम बंगाल आया। यहाँ पर आकर मैंने अपने सारे दस्तावेज़ों पे अपनी मासी के जो दस्तावेज़ के अनुसार सारे दस्तावेज़ बनाए। पुलिस वालों ने यह कहकर मेरा पासपोर्ट रिजेक्ट कर दिया कि तुम्हारी नेशनलिटी क्या है। अब मैं क्या करूं? मैं भारत सरकार और दिल्ली सरकार का एक रजिस्टर्ड ऑर्फन मिसिंग चाइल्ड बच्चा हूं। अब मैं पासपोर्ट के लिए अपना नागरिकता कैसे प्रमाण करूँ? इस विषय में मैंने मुख्य पासपोर्ट अधिकारी एवं जॉइंट सेक्रेटरी महिला बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार एवं चीफ सेक्रेटरी ऑफ वेस्ट बंगाल वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट को पत्र भी भेजा। पासपोर्ट के लिए मैंने अपने सारे दस्तावेज महिला बाल विकास विभाग एवं मजिस्ट्रेट ऑफ चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के आदेशानुसार बनवाए हैं। मैंने पासपोर्ट के लिए सारे दस्तावेज़ दे दिए, परंतु पुलिस वालों का यह कहना है कि तुम अपने माता पिता के डॉक्यूमेंट लेके आओ। बचपन से ही जब मेरे माता पिता के साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है, तो मैं अपने पिताश्री के डॉक्यूमेंट कहाँ से लाऊं? मैंने सारे दस्तावेज़ दिए, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट, मजिस्ट्रेट ऑफ चाइल्ड वेलफेयर कमेटी का आदेश पत्र, फिर भी पुलिस वेरिफिकेशन ख़त्म ही नहीं हो रहा। प्लीज़ मेरी सहायता करें।